इतना आप देख रहे हो ना, ये मल्चिंग का बोलते हैं इसको आसाधन भाई। आपके पास जो फसल अवशेष है ये हमने जो बिछा दिए, इसके नीचे जो है यहाँ पे जो आप देखोगे यहाँ पे भी जर्मिनेट नहीं हुआ है। ये साथ में थोड़ा सा यहाँ मांग रहा था तो यह तो पूरा ढका जाता तो यहाँ भी नहीं होती। अब इसके साथ साथ ये अलग जो और क्या फायदा देगा हमारे को, अब ये इसके नीचे देखोगे आप, एक तो वाटर कंजर्व होगा, पानी जो है नमी सूखेगी नहीं तो पानी की कम जरूरत पड़ेगी, बार बार पानी देने की जरूरत नहीं क्योंकि पानी कंजर्व होकर रह रहा है इसमें। दूसरा इसके बाद जो इसमें जो सूक्ष्म जीव है वो एक्टिव रहेंगे, कीचवा एक्टिव रहेगा आपका, जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक्टिव रहेंगे नमी में और उसमें जो अंधेरे में। रात का चक्कर में जी, हाँ रात का चक्कर कर लो उसको, तो उस हिसाब से ऊपर आ जाएंगे, उस हिसाब से वो अपना काम करेंगे, वो फायदा करेंगे हमारे को। तो जमीन भी उपजाऊ, वीट कंट्रोल भी हो गया हमारा और साथ में हमारा जो है पानी की भी बचत होगी। और उल्टा जो फिर ये जो हमारा फसल अवशेष है जब गलेगा तो उल्टा जो मैंने और इसमें जो कंपोस्ट हो गया नहीं, खाद का काम करेगा। खाद खींचती को नहीं जिया थोड़ी मिसमैनेजमेंट है ना, मैं बता रहा हूँ ये लड़का जो लेट हो गया था, ये नहीं यहाँ भी साइड में प्राण बिछाड़ देनी थी, यहाँ भी प्राण बिछ देते तो फिर ये नहीं उगता, तो ये तो उसके वजह से निकल गया। फिर आगे बताऊंगा मैं क्रॉप रोटेशन कैसे करते हैं यहाँ पे, मैं अपने फार्म कैसे मैनेज कर रहे हैं।